रिदा क्या है प्रोग्राम किस पर लें? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। मुझे खरगोश दे कान नहीं होंगे। मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप? तो फिर कान क्यों चेक कीते तुसी? कान का जिक्र करेंगे तो कान चेक करूंगी ना। तुसी खरगोश हो जी। आपको आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान की तरह इंडिया से कभी गाने की ऑफर नहीं की, और अगर ऑफर हो तो किस हीरोइन के लिए गाना चाहें? तो देखो जी, नाम ही भूल जाना, जड़ी लंबी जी है, कीजे ते बच्चा भी होया हूं। मैं एक मिनट दाई नूं पूछ गया। दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं आप? दीपिका, वाह, उनके लिए आप गाना चाहेंगे? जी, उनके लिए गाना चाहूंगा, क्योंकि वो उसका एक जो शाहरुख के साथ वो जो आग लगने वाला गाना था ना, मन वाला है। क्या बात है। उससे मैं उस सोच से भी और उस कॉम्पोजिशन से भी, क्या बात, और क्या सोच है वो, और क्या बात है। तो दीपिका आपको वैसे पसंद है या एज ए हीरोइन पसंद है या एज ए शख्सियत? ठीक, एक्टर भी बहुत अच्छी है और वैसे भी प्यारी है। वैसे आप हुस्न परस्त हैं? मतलब माधुरी साहब से तो आपकी मुलाकातें नहीं करी? माधुरी साहब के घर जी, मैं उस्ताद जी के साथ, उस्ताद यूसुफ अली खान साहब के घर, उनके घर गया था, तो उन्होंने कबाब बनाए थे खान साहब जी के लिए। डाइनिंग टेबल पे हम बैठे थे जी, और सारे मैं खा गया ना। वो ये हुआ कि उन्होंने प्लेट में रख के खान साहब को दिया, तो खान साहब ने ऐसे उठा के उन्होंने टेस्ट किया, तो वो ऐसे मुड़ी हैं, तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ था और सेक्रेटरी इकबाल साहब ये वो बैठे थे, तो उन्होंने मुझे भी दिया, उनको भी दिया। अब मैंने भी वो खाया, तो खान साहब ने भी खाया, तो जाहिर है अब वो खड़ी थी, तो उन्होंने पूछना था, खान साहब ये मैंने खुद बनाए। अच्छा, उन्होंने खुद बनाए थे? हाँ, उन्होंने कहा जी ये मैंने खान साहब खुद बनाए हैं, तो ये कैसे लगे? तो खान साहब ने कहा बहुत अच्छे। तो मुझे भी पता चल गया कि कबाब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे भी कहा गया, मुझे भी एज अ फॉर्मेलिटी उन्होंने कहा कि आपको भी अच्छे लगे, मैंने कहा जी बहुत अच्छे। तो खान साहब से मेरी आँख मिली, फिर हम जब बाहर गए तो खान साहब ने मुझे ये कहा, कहते यार तेन भी अच्छे लग गए सी। मैं कहा जी मैंने भी अच्छे लग गए सी, बिकॉज कबाब ठीक थे, इतने अच्छे सीधी बात, इतनी मोहब्बत से देखे मैंने आपके लिए बनाए। और एक और वाक्या हुआ था कि दिलेर मेहंदी साहब हमें वहाँ पे दिल्ली मिले थे, पहली बार उस्ताद साहब को भी मिले थे और हमें भी मिले थे। फिर रात को जी मैं उनके घर गाया। अच्छा, उनका अपार्टमेंट काफी ऊंचा था। तो बड़े उच्चे सुर लाने पड़े। जाहिर है वो है गई उच्चे सुरां वाले। सारे उच्चे सुरां वाले। दिलेर साहब तो है ही, और तब मीका वगैरह सब वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड। जी जी, दिलेर साहब तब 25-30 साल की बात है ये। गुलाम अली साहब वहाँ पे गा रहे थे, तो मुझे देख के हैरान हुए। मेरे साथ उस्ताद साहब के तबला नवाज दिलदार साहब भी मेरे साथ थे। तो बाद में फिर हम गाए वहाँ पे, वहाँ से फिर मैं तो दिलेर मेहंदी साहब के घर सब थे, आप भी, नुसरत अली खान साहब भी, और गुलाम अली और भी एक्टर बैठे हुए थे जो उस दौर के एक्टर थे। तब दिलेर मेहंदी साहब का गाना पहली बार आया था, अमिताभ जी के साथ उनका गाना आया था। उस गाने की वो बात करते थे बार बार। फिर दूसरे दिन खान साहब का शो था, हेमा मालिनी साहब का डांस था जो क्लासिकल वो करती हैं, और खान साहब ने गाना था। ठीक है। एंड जो राजीव गांधी, उन्होंने आपको कबाब नहीं खिलाया? ये बताइए, जो कि आपकी इतनी कुर्बत थी और मुलाकातें थी, नुसरत अली खान साहब को कौन कौन से सिंगर्स पसंद थे? पता नहीं कभी निजी महफिल में किशोर साहब बहुत पसंद, किशोर पसंद थे उनको। ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत पसंद थे। और लता जी और मैडम जी के साथ, मैडम साहब तो गाया उनकी बड़ी, मैडम जी के साथ मेहंदी हसन खान साहब, और जब मेहंदी साहब तो आखिर में उन्होंने गाना भी किया था ना। जी जी जी, मेहंदी साहब का भी, और क्लासिकल में सब की वो इज्जत करते थे। वाँ वाँ। वो आर्टिस्ट जिनके अपनी इज्जत, बड़ी इज्जत लेके, हाँ, किसी की इज्जत करने वाला वो वाहद आदमी था। उसका नाम उस्ताद नुसरत फतेह। बहुत अच्छी बात, बड़ा आदमी था जो इतनी बड़ी इज्जत लेके सबकी इज्जत करते। तो धीर से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सजे कभी भी बेटा वायरलॉग लगा था कम डरते हैं?
ये स्टेटमेंट है तुम्हारी? वो मुझे लगा खान साहब कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। जी आप फंक्शन के लाखों रुपए लेते हैं और अपने म्यूजिशियन को चंद पैसे देकर टरखा देते हैं और कहते हैं कि तू ताली ठीक नहीं बजाई, ऐ भी तेरे लिए ज्यादा है। नहीं जी ऐसा नहीं, इल्जाम ही ला देता है ने। ऐसा नहीं, वो भी कोई मासूम नहीं होंगे। जिवें तुसी भी मासूम नहीं हो। इस तरह क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसको अपनी मेहनत का पता है। हाँ साहब, आप लोगों की जो कवाल पार्टी होती है उसमें ज्यादा लोग होते हैं ना जी, उनमें से अगर एक आध किसी वजह से खफा है जी, उसका मूड ठीक नहीं है, वजह कुछ भी हो सकती है, पैसा वैसा छोड़ दीजिए, तो क्या असर पड़ता है कवाली के दौरान, कैसे पता लगता है कि इहदा मूड ठीक नहीं है? अच्छा, जो ताड़ी सब तो वखरी होंगी, सब दी ते चल रही है ना, काली काली जुल्फों के फंदे नडा, हुण उहदी की चल रही, काली काली जुल्फों के फंदे नडा दो हमें जिंदा रहने दो। जान के तो अजो करवांदा है कि मैं गुस्से च हां। नहीं 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 भाई, माफ कर, ऐसे नहीं होती। अच्छा, ऐसे नहीं होती, क्योंकि जिसमें रिदम अल्लाह ने दिया होता है वो अपना रिदम नहीं खराब कर सकता। क्या बात है, वो अपने एक्सप्रेशन खराब कर सकता है। वो ताली को अगर जोर से मारा जा रहा है तो वो ताली को आहिस्ता आहिस्ता मारेगा। रिदम में रिदम खराब नहीं करेगा, रिदम खराब नहीं, इस बात का कवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे से मौजूद हैं नदीम सलामत साहब और उनके साहबजादे तथीर नदीम सलामत। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, और नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साहबजादे तथीर नदीम सलामत। नदीम साहब, हमारा सेगमेंट है इसका नाम है कथारसिस। कोई रिग्रेट जिंदगी में? एक है वो जो बना के रखा है मैंने, वो है कि यार वो आगे जाए बस, ठीक है, और उसको कबूलियत हो जाए बस, ठीक है, वो अब जा रहा है उसका उसका लेवल। लेकिन जब जा रहा है तो उस पर फिर अफसोस तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, अफसोस नहीं चीज पर, लेकिन जिंदगी के सफर में हाँ जी किस बात पे अफसोस वो होता? 10-20 साल पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये आपको लगता है लेट? हाँ जी, वो पहले हो जाना चाहिए था, लेट हो गया। जो खासा बाजूकात किसी भी नौयत की कामयाबी किसी आर्टिस्ट को, फिर एक ऐसे आर्टिस्ट को किसी भी फन में, पेंटर है, शायर है, मौसीकार है, अदाकार है, कॉमेडियन है, कोई भी उसका शोभा है, अगर वो काम को बहुत अच्छी तरह समझता है और तमाम जिन्हों कहते हैं ना कि सारे खाने उदे पूरे ने, ठीक है, उसके बावजूद किसी वजह से अवामी मकबूलियत में ताखीर हो जाए जी, कितनी टूट फूट होती है फनकार के अंदर? बहुत बुरी, बहुत बुरा टूटता है। जो आर्ट जो परवरदिगार ने दिया होता है ना जी, यानी क्रिएशन एक तो की जाती है, क्रिएटिविटी डाली जाती जी, जी उसी के आता है वो परवरदिगार जो अता करता है, अता का रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट होता है तो टूटता है बंदा, बहुत बुरा। फिर काम की सेंस भी हो गया वो, देखो जी 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 कच्चे ने, तब बहुत ज्यादा टूटता है जब सॉरी वसी भाई बहुत आला शायर है और मैं आपको अपना कुछ सुना रहा हूं, तो वो भी शायद उस हवाले से बहुत लेवल है उसका, तो वसी शायद दाद ना दे, बहुत करने वाले के आगे आप कुछ सुना रहे हैं, आपको पता है कि यही अंडरस्टैंड है, एनू पता है, गुनी पता है, एक गुनी है ना समझेगा, ठीक, वो इंज करके बैठा रह गया। ये दुख वाली बात, जैसे हमारे शोबे में कहते हैं कि जो सुखन शनास है जिन्हों कम दा पता है ओदी खामोशी, हाय हाय हाय, और जेड़ा सुखन शनास नहीं हैगा ओदी दाद मार दाद, हाय हाय, वाह 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 वाह। ये कंजूसी का मुजाहरा क्यों करते हैं लोग? मेरे उस्ताद जी ने एक अल्फाज कहे थे कि बेटा सही को जो एक्सप्लेन नहीं करता या करना नहीं चाहता, दो चीज़ें होती हैं, या उसकी समझ में नहीं आई वो जितना मर्जी कारीगर है, या वो जेलस है, वो खिंच गया कहनू कि ए लेवल है नू आ गया, ये ना लाइक दैट। मैं नाम नहीं पूछूंगा, मगर किस मौके पे किस जगह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इतने ते जरूर दाद मिलेगी, ये देंगे ही देंगे, मगर न मिली हो? शाह जी दाद उन्होंने दी, लेकिन बस जा दाद दी।
समझो ना, डा दिती उन्होंने। ये लाहौर एक फेस्टिवल था म्यूजिक का, और तमाम असातिज़ा थे वहाँ पे, और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट से मुझे बुलाया गया। और पता क्या होता है जी, जब आप शायरी कोई आप लाइन कहते हैं, मुशायरा हो रहा है, आप लाइन कहते हैं, आपको पता है जब दाद आती है कि भी लाइन बहुत अच्छी थी मेरी, अब आप रिसीव ना करें दाद को, वो और बात है। आप कहें नहीं जी नहीं, बस बस ठीक है, लेकिन पता है जब गाया जाता है ना जो पता होता है कि आज मैं बहुत अच्छा गाया, और ये भी पता होता जी आज मैं बहुत कुछ नहीं गाया, वो मैनू पता है कि मैं ठीक गाया और अच्छा गाया। तो वो बस वो सीधा सीधा लोग थे जो पता नहीं फराख दिल थे, उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई आज एंड हो गया भाई, बहुत अच्छे जो इनकी होती है स्टाइल वो दिया गया, लेकिन अक्सरियत जड़ी सी वो चुप कर जाना मकई का दाना लाइक उन्होंने दे वर नॉट कंसीडर। तकलीफ दिया आपको होया जी मेरे नाल। किसने सबसे ज्यादा फराख दिली से दाद दी, जो कहते निहाल कर दिया? गुलाम अब्बास साहब। गुलाम अब्बास साहब।